एंड अगर आपको कुछ भी ऑर्डर करना है तो मैं मेंशन कर लूंगी. मामा की इसका नाम क्या है बताओ? सिमर बेक्स एंड केक्स. इस पे आप ऑर्डर कर सकते हो. केक के ऑर्डर्स लेते हैं, फॉन्डेंट केक्स के ऑर्डर लेते हैं, चॉकलेट्स के ऑर्डर लेते हैं, आइसक्रीम्स के ऑर्डर लेते हैं. आइसक्रीम के कौन से फ्लेवर्स है बताओ? पान वनीला मैंगो बटरस्कॉच कुल्फी चॉकलेट चॉकलेट. रीटा दी है वो केक की क्लासेस में लेते हैं. अगर आप उनसे सीखना चाहते हो तो आप एनरोल कर सकते हो. मैं शेयर कर दूंगी कहाँ आपको एनरोल करना है, कहाँ पे आप उनका नंबर दे दूंगी. आप उनको कॉल करके कब वो क्लास लेने वाले हैं, कब आप फ्लेक्सिबल हो वो आप कर सकते हो, उनको बता सकते हो. ठीक है? और गाइज इन्होंने इतना प्यार दिया, सो आई रिक्वेस्ट यू कि प्लीज़ इनकी चीज़ें एक बार ट्राई करें. जितना दिल से इन्होंने बनाया, और बोलते हैं पंजाबी होता है दिल से भेजते हैं, लाइक जितना दिल से इन्होंने भेजा मुझे बहुत अच्छा लगा. सो कोई अगर इतने दिल से मेहनत कर रहा है तो आई थिंक वी शुड डेफिनेटली सपोर्ट देम. आप ट्राई करो, टेस्ट बहुत अच्छा है. न्यू ऑर्डर मैं इनके लिंक्स आपको दे दूंगी, इनका नंबर मैं आपको बता दूंगी. आप नंबर कर इनको कॉल करके ऑर्डर कर सकते हो. ये होम डिलीवरी कर देंगे. जो भी आपको चाहिए, केक चाहिए, चॉकलेट्स चाहिए, कस्टमाइज चाहिए, वैलेंटाइन स्पेशल चाहिए, जो भी चाहिए सब मिल जाएगा. और ये होम डिलीवरी भी कर देंगे. हे पीपल, सो हमने और एक केक स्पेशलिस्ट ढूंढ के निकाला है. आई मीन इनके केक इतने डिलिशियस हैं, लाइक आई कैन नॉट स्टॉप टॉकिंग अबाउट इट. इसका टेस्ट इतना फैबुलस है, आई एम नॉट इवन लाइंग. आप खुद एक बार ट्राई करो, इट्स सो डिलिशियस. आई मीन उन्होंने इतने सारे केक्स भेजे थे, हमने रिव्यू किए हैं सारे केक्स, एंड मुझे इनकी जेनरोसिटी इतनी पसंद आई है. इन्होंने लाइक लिटरली सैम्पल्स के लिए नहीं भेजे थे, इन्होंने मुझे किलो किलो के डब्बे भेजे थे. जो आइसक्रीम हमने रिव्यू की है, ये होममेड आइसक्रीम्स भी बनाते हैं, ये होममेड चॉकलेट्स भी बनाते हैं, होममेड केक्स भी बनाते हैं, और बहुत सारी चीज़ें बनाते हैं. एंड विच इज़ रियली थ्रिलिंग, मुझे भी सीखना है इनसे. इतनी सारी चीज़ें बनाते हैं और सबका टेस्ट इतना फैबुलस था. एंड जिस तरीके से इन्होंने पैक करके भेजा था उसका टेस्ट इतना, फॉन्डेंट केक मेरे को इनका बहुत पसंद आया था. इन्होंने स्पेशली कस्टमाइज़ करके भेजा था हमारे चैनल के लिए, मुझे वो बहुत अच्छा लगा. एंड आई कैन नॉट वेट टू शेयर ऑल द रिव्यू विथ यू ऑल. सो कीप वॉचिंग. Hey guys, welcome back to my channel. So we are here back again with this cute little kids around me, and इतने प्यारे केक है. एंड स्पेशली द वन, थैंक यू सो मच रीटा दी. ये केक देख के लाइक लिटरली मेरा रिएक्शन ऐसा था कि मुझे रोना आ रहा है. इट्स सो 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 स्वीट. उन्होंने स्पेशली कस्टमाइज किया है, इस पर मेरे चैनल का नाम डाला है सासी सोनिया, और मेरे इंस्टाग्राम हैंडल का नाम है इसमें द ब्यूटिफुल सीक्रेट. आई रियली लव यू सो मच. मतलब इट्स सो ओवरवेलमिंग, मैं रोने नहीं वाली हूँ. आई लिटरली वॉन्ट टू क्राई राइट नाउ बट नहीं. एंड वी हैव वेरी स्पेशल गेस्ट विद अस. ये ज्यूस भी आ गया हमारा गेस्ट. एंड वी हैव दिस क्यूट लिटिल किड्स. ये रीटा दीदी के किड्स हैं जिन्होंने केक्स बनाए, क्योंकि किड्स और उन्होंने इतने प्यारे इतने सारे केक्स बनाए, उन्होंने आइसक्रीम भी बनाई, हम सबका रिव्यू करेंगे. पहले लेट्स मीट दिस पीपल. सो आपका नाम आगम, राइट? She's very cute. दोनों एकदम डॉल जैसे लग रहे हो. आपका नाम लवली. अगम एंड लवली, वेलकम टू माय चैनल. सो क्या बोलना चाहते हो? मेरी बात सुनना, इनकी जरूर सुनना. डू लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब. अगर आपको पसंद आता है ये चैनल तो प्लीज इसको सपोर्ट कीजिए. एंड लेट्स गो टू वर्ड्स अ रिव्यू. वन मोर थिंग, वी हैव वन मोर गेस्ट. दिस क्यूटी, आपका नाम क्या है? सिमर. वी हैव सिमर जो कैमरा के सामने नहीं आना चाहते हैं. प्लीज थोड़े टाइम के लिए एक सेकंड के लिए हाय बोल दो. वी हैव सिमर हियर. स्ट्रगल्स बिहाइंड. सो ओके, सो हमारे पास अभी दो केक्स हैं. फॉन्डेंट केक, जो मतलब लिटरली मेरी दिल जाने अब तक मैंने जितने केक्स देखे दिस इज वन ऑफ माय बेस्ट, क्योंकि इस पर यूट्यूब चैनल का नाम है. एंड ऑल्सो इसके एलिमेंट्स एकदम डिटेलिंग में, आप देख सकते हो पूरे एलिमेंट्स बहुत बहुत ज़्यादा डिटेलिंग में, जो मुझे बहुत अच्छे लगे. ओके, सो इसमें मतलब आई गेस इसमें सारी मेरी फेवरेट एलिमेंट्स है. डोसा मुझे बहुत पसंद है, फ्राइज सबको बहुत पसंद होती है,
हेल्दी भी होना चाहिए इसलिए दीन एक वाटरमेलन भी रखा है बारबेक्यू लवली फॉर मी दिस इज माय सिग्नेचर केक दी थैंक यू सो मच आई रियली लव्ड इट अच्छा लगा ना एंड ये हमारे पास और एक केक है जो बटरस्कॉच है राइट ये बटरस्कॉच है मतलब हम काटे कैसे अब इसको एग्जैक्टली घुसता दो बीन एक साल हो गया है मेरे चैनल को एंड विद दिस आई वुड लाइक टू सेलिब्रेट कि मेरे चैनल का एक साल हो गया है और इससे बेस्ट मोमेंट नहीं हो सकता जब मेरे पास एंजल्स है और इतना अच्छा केक है और उस पर लाइक लिटरली यूट्यूब चैनल का नाम है सो इट्स लाइक सेलिब्रेटिंग वन ईयर एनिवर्सरी ऑफ सासी सोनिया एंड थैंक यू सो मच दिस वॉज द बेस्ट सरप्राइज लाइक ये मुझे नहीं पता था दिस वॉज अ सरप्राइज एंड ये मुझे बहुत पसंद आया है थैंक यू सो मच सो लेट्स डू द ऑनर्स विद एंजल्स कम उसके बाद उसमें अंदर सरप्राइज है लेट्स सी द सरप्राइज एलिमेंट तो ये है सिमर बेक्स एंड केक्स का वैलेंटाइन स्पेशल चॉकलेट और इसके अंदर है एक छोटा सा सरप्राइज एंड दैट इज वेरी लवली इट्स अ वेरी क्यूट लिटिल थिंग आप किसी को भी दे सकते हो तो इन्होंने वैलेंटाइंस के लिए स्पेशली बनाया तो अगर आप ये ऑर्डर करना चाहते हो तो मैं इनका नंबर और डिटेल्स आप इनको कैसे कॉन्टैक्ट कर सकते हो वो दे दूंगी और ये होम डिलीवरी भी करते हैं आप इनको ऑर्डर दे दो और ये होम डिलीवर कर देंगे सो फॉर वैलेंटाइंस वी हैव अ स्पेशल थिंग एंड थैंक यू सो मच रीटा दी मेरे को मेरा वैलेंटाइंस गिफ्ट मिल गया ये छोटे क्यूट एंजल्स ही हमारे लिए वैलेंटाइन गिफ्ट थे हमारे घर में सब बहुत खुश हुए हैं
और ये भी इतना मीठा थैंक यू सो मच विश यू द सेम आपको भी हैप्पी वैलेंटाइन डे बहुत अच्छी आई है और एकदम शेप देख के आ रहा है उसका बहुत प्यारा लग रहा है द वाइट फिलिंग होममेड चॉकलेट्स हैं और आप उसको कस्टमाइज कर सकते हो आप उनको बोल सकते हो कि कैसा आपको चाहिए दी बहुत अच्छे से कर देंगे जो भी आप बोलोगे भैया आइसक्रीम्स हमने दी घर पे आइसक्रीम्स भी बनाते हैं आपको कौन सा फेवरेट है रोज इनका फेवरेट है आपका मैंगो मुझे तो कुछ भी खाने दे लो मैं खा लूंगी आपको क्या फ्लेवर है फेवरेट बटरस्कॉच सो वी हैव रोज मैंगो कुछ भी एंड बटरस्कॉच और दी थैंक यू सो मच आपने इतना सारा प्यार दिया लेकिन ये प्यार लगी हमारा हफ्ते भर तक आपको प्यार बढ़ता रहेगा थैंक यू सो मच लाइक आई रियली लव द जितनी जेनरोसिटी से उन्होंने भेजा लाइक यूजुअली अपने पास सैंपल्स को आते हैं तो यू नो सैम्पल्स कैसे आते हैं बट आई डोंट थिंक ये सैम्पल्स को आए हैं तो आई रियली लव यू सो मच लाइक मुझे लोग बोलते हैं कि आप चार्ज नहीं करते मैं खा के खुश हूँ खाने के लिए तो मैं खुश हूँ एडिटिंग कर दूंगी थैंक यू सो मच लेट्स गेट बैक टू ईटिंग रोज है ना आई होप पिघली नहीं आई ये थोड़ी सी मेल्टेड लग रही होगी आपको बिकॉज ये जब मैं यहाँ पे सेटअप कर रही थी तब ये बाहर था बट उसके पहले एकदम फ्रीज थी सो लेट्स डिग इन आप लोग खाओगे मैं ही खा लूंगी वही पीछे उसको पता भी लग गया ये रोज वाली है और ये मेरे को दे नहीं रही मैं वैसे खा रही हूँ मैंने एक होममेड आइसक्रीम ट्राई की थी मैंने मैंगो वाला फ्रूट फ्रेश फ्रूट वाला कुल्फी बनाने का ट्राई किया था मुझसे बना था बट वो इतना स्मूथ टेक्सचर नहीं आया था जो एक्चुअली हम लोग जैसे अमूल की आइसक्रीम्स में खाते हैं वो मुझसे नहीं बना था लेट्स सी दिए हैं कैसे बनाई है एब्सोल्युटली यम जैसे हम मार्केट से खाते हैं एकदम सिल्की स्मूथ टेक्सचर है this is butterscotch isme butterscotch ke i guess jo butterscotch ka wo hota hai ha wo seeds ko dala hai crush karke bahut yum lag raha hai flavor bahut rich hai aur jab maine personally ye cheez banayi thi ghar pe to mujhe ye cheez pata hai ki iski jo creamy texture hota hai wo lana difficult hota hai
एंड उन्होंने परफेक्टली बोला है, घर पे बनाने वाली आइसक्रीम और बाहर बनने वाली में वही डिफरेंस होता है कि वो जो सिल्की स्मूथ टेक्सचर होता है वो हम घर पे नहीं ला सकते जल्दी, पर इन आइसक्रीम्स में वो आया है, सो आपको डेफिनेटली ट्राई आउट करना चाहिए। मार्केट की जो आइसक्रीम्स होती है वो प्रोसेस्ड होती है, केमिकली प्रोसेस्ड होती है, क्योंकि वो ज़्यादा टाइम स्टे करने के लिए होती है, घर पे बनने वाली ज़्यादा फ्रेश होती है। एंड दिस वन इज पान, है ना? पान आइसक्रीम, ये मतलब पान इज लाइक माय फेवरेट। आई डोंट नो दी को मेरे फेवरेट कैसे बता दिए, दिस इज सो यम। हर आइसक्रीम जो मैं खा रही हूँ, मतलब मेरे को, मैं पानी में नहीं पी रही हूँ, लेकिन हर एक का फ्लेवर अलग लग रहा है पूरा। जनरली जब फॉन्डेंट केक खाते हैं तो समझ नहीं आता कि निकालना कितना है, खाना कितना है। तो जो मैंने केक खाया उसमें ऐसे था कि जो मैंने खाया वो भी खा लिया, और लेयर बहुत पतली थी, मोटे वाज लेयर बहुत पतली, समझ गया ना। लव टू नागार्जुना स्कूल एज वेल, टू सपोर्ट योर ओन लिटिल एंजल्स।